अस्सलामुअलैकुम। और सुनाइए, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो भाई आज का व्लॉग हम करते हैं स्टार्ट। और भाई हाँ भाई, बहुत दिनों बाद मैंने व्लॉग बनाया और बस इसी वजह से बनाया है व्लॉग, क्योंकि आज तैयारियाँ चल रही हैं ईद की, शॉपिंग वगैरह, और फिर टाइम नहीं मिल पा रहा, तो इसकी वजह से तो व्लॉग और लिया हमने बहुत कुछ है। और जब ईद पर हम जब वो ड्रेस पहनेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। अब शॉपिंग में कैसे दिखाते, मॉल वगैरह में बहुत ज़्यादा रश हो रहा होता है, तो इसकी वजह से तो आज लेके जा रही हूँ ईदी अपनी बहू की। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी तो उन्होंने बहुत प्यारी सी सजाई है उसकी ईदी, तो मैं आज वहाँ लेके जा रही हूँ ईदी अपने बेटे की। और देखें, आपको मैं दिखाती हूँ, मैं पहन रही हूँ ये ड्रेस, और जब मैं पहनूँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी। और भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग भी बोलिएगा माशाल्लाह। तो भाई ये है ईदी, ये देखें। तो भाई आप लोग भी बहुत सारी दुआएं दिएगा, और सब लोग बोलना माशाल्लाह, और पहनना नसीब करे अल्लाह पाक। तो भाई माशाल्लाह से मैं अपनी बहू की लेके जा रही हूँ आज ईदी, और ईदी में कौन कौन जा रहा है वहाँ जाके हमें आपको सबको दिखाऊंगी कि कौन कौन जा रहा है। तो भाई अब कर रहे हैं हम तैयारी, और बस कपड़े चेंज करके तैयार होंगे, और उनजा भी आ गई है जल्दी से, उनजा भी तैयार होगी, और फिर हम लोग तैयार होके फिर हम लोग जाएंगे अपने तैयार होने। और भाई आप लोग रोए नहीं करा करें कि बहुत से इमोजी बनाते हैं रोने वाले, कि आंटी बहुत ही देर में ब्लॉग आया, बस आप लोग को क्या बताऊं मैं, क्योंकि मसरूफियात इतनी हो गई थी, क्योंकि जब शॉपिंग करने जाओ तो आपको पता है कितना रश होता है और कितनी मुश्किल होती है, तो इसकी वजह से मैं बना नहीं सकी ब्लॉग। और जब हम कपड़े पहनेंगे तो आप लोग को ज़रूर दिखाएँगे। और भाई उनजा सब लोग शिकायत कर रहे हैं कि आंटी इतने दिनों बाद ब्लॉग आया आपका। बस काम कर रहे हैं, ताकि आपको पता है ईद है तो यानी घर सफाई करनी है, सब कुछ करना है, फिर ईद की शॉपिंग। और आज भी मैं आपको बताऊं उंजा ने घर में फैलावा मचा के रखा हुआ था। उंजा को लगती है कि पूरा घर हो जाए साफ, और भाई इसने पूरा स्टोर में से सारे कपड़े, मैं कहती हूँ जो सामान जिसकी जहाँ जगह वहाँ रखो, जिस चीज़ की जहाँ जगह नहीं है वो रखी कि हाँ चलो मजबूरी होती है एक से दो दिन में रख दो, वो हफ्ते हफ्ते तक रखी रहे, वो भाई मेरे को बहुत बुरा लगता है। ईद के कपड़े आए थे तो जाहिर सी बात सबने साइड में रख दिए पूरे, सब हमारे सोफों पे, सोफों के पीछे, सब जगह पूरा घर फैला हुआ था। तो भाई इसको बस लगे थे, जिसको उजैर भी गुस्सा करने लगा, जाते वक्त तुम लोग थकती हो, काम करती रहती हो, वो बहुत चिढ़ता है सफाई से। ये होगा सिर्फ घर का किसी चीज को समेट नहीं पड़ेगा, सिर्फ घर झड़ेगा, ये जो पर्दे वर्दे उतरेंगे मम्मा ये धोएंगे, नया सामान डलेगा, बस समेटना हमें कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ सब इसने कर दिया साफ। तो भाई आपको पता है सफाई तो जरूरी होती है, जरूरी नहीं की हम साफ हों और हमारा घर गंदा हो, तो ऐसा नहीं, क्योंकि हमें करनी है घर पूरा साफ वाफ सब करके फिर हम आपको दिखाएंगे। भाई आप लोग हमसे इतनी मोहब्बत करते हो, बहुत दिल खुश होता है कि आप लोग हमसे इतनी मोहब्बत करते हो, हमारे ब्लॉग का इतना इंतज़ार करते हो, मगर यकीन माने कि टाइम नहीं मिल पाता। ये तो आप भी सोचते होंगे कितना काम होता है घर में, हर इंसान आजकल बिजी है, रोज़ा और ये और वो, यकीन माने आजकल रोज़े में भी कुछ नहीं बन रहा, तो मैं कैसे आपको बना के दिखाऊँ ब्लॉग, क्योंकि उंजा उजैर इन लोग का बस शुरू हो गई है बिरयानी बाहर से आने की, बिरयानी आते हैं खाते हैं। आज भी मैंने रोज़े में सिर्फ फ्राइज खाई है, सिर्फ इसने फ्राइज खाई है, और हम सब ने फ्राइज खा के रोज़ा खोला, क्योंकि जब यही लोग नहीं खाते तो मैं क्यों मेहनत बेकार में करूँ, यकीन मानो। तो इसकी वजह से मैं कुछ बना ही नहीं रहे, तो जो हम व्लॉग बनाएँ, तो भाई बस आप लोग ऐसे ही हमें प्यार देते रहें, तो आपके प्यार से ही प्यार मिलता है। तो भाई अभी हम होते हैं तैयार रेडी होके, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फैजी के साथ क्या हुआ ये तो बताना है। ओए होए, आज फैजी के साथ क्या हुआ है? आज फैजी के सुबह से प्रैंक हो रहे हैं, ये जो हमारे दो मुर्गे जो आप लोग ने देखे हैं, ये सुबह से इतना चीख रहे हैं, एक तो सैरी करके सो, 5:30 बजे जाते हैं सैरी करके सो, दैट्स व्हेन इंसान 1:30 बजे उठेगा, 1 बजे उठेगा, 2 बजे उठेगा, लेकिन ना ये जो चीखना शुरू होते हैं, गुस्सा आता है क्या करें, लेकिन फिर भी पहली सुबह 2-3 बार उठ के मम्मा इनको देख लो, सोने नहीं देते, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, हमने जब उठ के आया था हम काम कर रहे थे, हमने ज़्यादा उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया, वरना खुद में गुस्सा करते। फिर हमारी मोमो ने फैजी के मोबाइल के साथ कर दिया प्रैंक, मोमो ने उसके ऊपर फेंक दिया हमारे खबर पानी, मोमो पानी से टकराएंगे, पानी गिर गया,
फिर उधर मैंने कहा चलो ये तो मोबाइल वाटर प्रूफ है ना, इसको देखते हैं। जब हम सनवे गए थे पिकनिक पे, आप लोगों ने पुराने वाले ब्लॉग पे हमारे देखा होगा ब्लॉग, तो फैजी का मोबाइल पानी के अंदर गया था, वाटर प्रूफ था, तो उससे कोई मसला ही नहीं हुआ। उधर मैंने कहा चलो धो लेते हैं, कुछ नहीं होगा। उधर मैंने नल के नीचे डाल के धो दिया, जबकि इतना पानी भी नहीं गया, लेकिन उसका चलेगा पैनल क्या गया, पहले उसके ऊपर आई लाइन है, लेकिन चल रहा था टच, तो फैजी समझे शायद लाइन आई, चलो मैं ईद के बाद सही करा लूंगा, लेकिन टच चले गया। अब वो इसी टेंशन में है। फिर उधर मैंने कहा जाओ और करवा के आओ अपना मोबाइल से, तब फैजी वहाँ गए मैं, तो हम भी मैं भी रेडी होती हूँ, मम्मा ने तो आपको अपना ड्रेस दिखा दिया लेकिन मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, तो फिर चलते हैं। और तैयार होने में हम लोग तैयार होते हैं, 10 मिनट लगेंगे, हमें जाना है 10:30 बजे, अभी बज रहे हैं 10, तो हमारे हमें सिर्फ 10 मिनट लगेंगे तैयार होने, बस अभी हम आपको तैयार होके मिलते हैं। मैं बैठी नहीं है फैजी का मोबाइल खराब करके, फैजी ऐसी पिटाई लगाएगा, गुस्सा करेगा। फैजी को बुलाती हूँ अभी, ये डरती है, ये जिस दिन नहाती है ना ये और कचरे में घुसती है ताकि मैं गंदी हो जाऊँ, है ना। क्यों किया, अभी वो घर आएंगे ना फिर बेटा बताएंगे आपको। तो ये जाइए, चलो भाई उठाओ। आज मैं बहुत सैड हूँ। क्यों? मम्मा आप बताएं, मुझसे नहीं बताया जाएगा, मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं बता दिया हमने कि फैजी का मोबाइल हो गया है। और बताया क्यों, मेरे फोन का पैनल क्यों खराब हुआ है ये बताया? हाँ बता दिया, मोमो की वजह से। मोमो की वजह से उसको पकड़ के धो दिया पूरे फोन को, पता नहीं कैसे धोया, किसने धोया, उज़ैर ने धोया ना, वो तुम्हें पता है। वाटर प्रूफ था जबकि, लेकिन वो पता नहीं। ये देखें देखिए कितना प्यारा सा लिखा हुआ है, ईद मुबारक, और ये चला उठाकर फैजी, ईद मुबारक। चलो भाई चलो, मैं जा रहा हूँ गाड़ी में, आप लोग फटाफट से आ जाएं नीचे। सही, ये चाबी, और अब ये चला, और मोमो लग रही है। कोई पूछे ना कि कहाँ जा रहे हो, मैं बोलूँगा यार वो वाइफ की अपनी जो है ये लेके जा। सही सही, भाभी की नहीं, नहीं कहेंगे, शर्म नहीं आ रही, खुद लेके जा रहा हूँ मैं भी। मैं क्या करूँ, एक दिन तुम भी लेके, तुम्हारी भी ऐसी लेके जाएंगे, और फिर वो उजाड़ लेके जाएगा इंशाल्लाह एक दिन, क्या अगले साल। हाँ अगले साल, चलो चाहिए तुम उतरो और फिर हम लोग आते हैं। मैं हो गई हूँ रेडी और उंजा हो रही है रेडी जल्दी से, अब हम भी। हाँ हाँ सही है, बस आ रहा है, और बस हम लोग हो गए रेडी, देखें मैं कैसी लग रही हूँ, और वहाँ जाके फिर देखते हैं। अभी उंजा हो रही है तैयार, जब उंजा हो जाएगी तो उंजा को भी उठा। आ रहे हैं मोमो, अभी हम आ रहे हैं बस थोड़ी देर में, और उंजा निकाल ली अपनी चप्पलें, और मैंने तो अपनी निकाल ली, ये हो गए उंजा रेडी। उंजा कहाँ जा रही हो? भाभी की ईदी लेके। वो तो उठा लो। हाँ मैं उठा रही, लाइटें तो बंद करनी पड़ेगी ना, ऐसे भी लाइट जाने वाली है। हाँ लाइट जाने वाली, और मैं खोल लूँ बैटरी वाली लाइटें, जल्दी से ये उठाऊँ। ये है एक और जिसके एक फैजी लेके चला गया, और एक ही उंजा, और भाई मैं ये खोल लूँ लाइट, खोल दी। चलो भाई ताला लगा ना। हाँ भूलता नहीं रहा, सब हो गया, मगर एक चीज भूल गए, वो नहीं ला पाए हम। ये रखी सारी दीदी, और अभी आ रही है यासमा जी लोग, बस वहाँ जाके हम बातों बातों में लग गए, तो लोग वहाँ बना नहीं सके, तो भाई उज़ैर के लिए भी आया था वहाँ से खाना, तो अभी है सहरी का टाइम, तो सहरी हो रही है, तो उज़ैर के लिए भी फिर मैंने उंजा सहरी कर रही है, और मैंने सहरी करने को मेरा नहीं दिल चाह रहा, मैंने वहाँ लग रहा है बहुत ज़्यादा ही खा लिया था, बहुत टेस्टी खाना था, बहुत अच्छा सब कुछ, बहुत अच्छा बना हुआ था, तो बस अब मेरा दिल नहीं चाह रहा, अभी खा रही है उंजा,
उजैर के लिए बहुत सारा दे दी थी बिरयानी, तो उनजा के लिए मैं थोड़ी सी मम्मा खाऊंगी, तो मैंने कहा चलो सही है। तो उनजा यहाँ कर रही हैं सैरी। जी बिल्कुल, हाँ ये है सैरी, ये भी बहुत सारे मैं नहीं खाऊंगी। और ये है कीमा, रायता और चमचा गिर रहा। उनका किसी को भूख लग रही है, भूख हो रही है मगर मुझे नहीं लग रही। और ये चावल रखे हैं उजैर के ते सारे, वो भी कह रहा मामा बहुत सारे। और कबाब तो बहुत ही मज़े के थे, तो भाई कबाब रखे हैं मैंने ओवन में गर्म होने के लिए। तो ये निकाला मैंने कबाब, देखें कितने अच्छे कलर है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। देखो हमने मंगाई थी चिप्स, वो ऐसी रखी किसी ने नहीं खाई, कितनी सारी बच गई। फैजी का हो गया मोबाइल सही और वो खुश हैं। हमें वहाँ छोड़ के 12 बजे उनका मोबाइल मिल चुका था और वो वहाँ से लेकर आए मोबाइल। और भाई देखें, और तो भाई शाह बहुत सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, कुछ दर्जी के पास कपड़े हैं, कुछ मैंने रेडीमेड लिए हैं, उनजा ने तो सारे ही रेडीमेड कपड़े लिए हैं और हमने चप्पलें भी ली। और वही इतने दिखाएंगे हम तैयार, हमारी पूरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। हाँ कंप्लीट हो गई है, मम्मा के कपड़े जो सिलने गए हैं वो सिल के आएंगे, वो भी सिलने नहीं है, वो रेडी होके आएंगे, वो हम जाएंगे कल लेने। बस वो मेरे कल कपड़े आएंगे। और भाई अलविदा का जुम्मा है, माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे रोजे सब बहुत ही ज्यादा अच्छे जा रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा क्यों, मौसम इतना अच्छा था, जैसे तो सर्दियों में आते हैं रमजान, हर साल मौसम ऐसे ही अच्छा होगा। हाँ सुनने बताया जा रहा है कि 10 साल रोज़े ठंड में ही आएंगे और भाई सबको बड़ा मज़ा आ रहा होगा रोज़े रखने में। और भाई सभी को पता है तैयारियों वैयारियों का दिन है, तो व्लॉग नहीं बना पा रहे हम। आप लोग बोलते हैं बनाएं आंटी व्लॉग बनाएं, तो बस व्लॉग बस ऐसी है। मगर ईद के बाद इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग, और यकीन माने 3 दिन से रोज़ा नहीं, रोज़े का कुछ भी नहीं बन रहा चूल्हे पे, कुछ भी नहीं बन रहा, ना पकोड़े ना छोले ना चाट ना कुछ। यकीन मानो फ्रूट चाट भी हम बना रहे हैं, वो भी कोई नहीं खा रहा, वो भी फ्रिज में होके और वो ज़ाये ही होती है। सब ने कर ली सैरी और ये भी खा ली, ये भी खा ली, ये भी खा ली, इस खाना भी खा लिया और सबकी हो गई सैरी ख़त्म। मैंने भी थोड़ा सा कुछ खा ही लिया, 2-3 दिन वाले मैंने खा लिए बच्चों के साथ बैठ के। तो भाई अब मैंने देखो कोशिश करूँगी कि भाई मैं व्लॉग बना सकूँ, आप लोग को तसल्ली रहे कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। आप लोग बस दुआ करा करें कि आंटी की तबीयत सही रहा करें और आंटी के सारे काम जल्दी जल्दी हो जाया करें, तो हमारे लिए व्लॉग बना। सब कुछ बहुत अच्छा रहा और आप लोग चीज़ें देख कर माशाल्लाह ज़रूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में हर चीज़ कैसी थी। और बस अब इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।